चलिए साथियों, हम एक और जबरदस्त महिला शक्ति से आपको मिलवाते हैं। उनके विचार आपने पिछले वीडियो में भी सुना था। सॉरी मैडम, प्लीज अनम्यूट मैम। सॉरी मैडम, अपने आप को अनम्यूट करेंगी मैडम। जी मैम, आज के इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ मैम। थैंक यू सर। जी मैम, वेलकम। बोले मैम, राष्ट्रीय लोक प्रगलक अगरिया समाज संगठन भारत इस कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में जितने भी जुड़े अगरिया बंधु और मातृ शक्तियाँ हैं, सबको मेरा सादर नमन। और आज आप इतना बड़ा मतलब टॉपिक तो दे दिए हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर। शारीरिक मानसिक रूप से थक गई हूँ। मैं सुन रही हूँ मतलब सभी की विचारधारा, जैसे दीपा भी बोली, लक्ष्मी भी बोली कि ये मतलब लक्ष्मी जो बोली कि मतलब छठी में ये दारू से पैर धोने का रिवाज, तो मतलब हाँ होगा, कहीं कहीं होगा, पर ये हमारे एरिया में नहीं है, ऐसा नहीं होता है हमारे एरिया में। मतलब छठी में ये सब कार्यक्रम करने का कोई रिवाज नहीं है। होगा, कहीं कहीं होगा, पर इसमें सुधार होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बोली, बहुत अच्छा बोली, जो भी बोली। ये मतलब इतना छुपे रुस्तम में इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, मेरे को भी पता नहीं था। आज मैं पहली बार सुन रही हूँ कि मतलब छठी में भी दारू से बच्चे का पैर धोया जाता है या कुछ भी करते हैं। मैं पहली बार सुनी, मेरे को अजीब सा लगा। ये सब कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा बताई और बहुत ही अच्छा बोली। मैं जितना सोची नहीं थी उतना अच्छा, मतलब लक्ष्मी आगे हो रही है और मैं चाहती हूँ कि इसी प्रकार लक्ष्मी हमेशा खड़गवां ब्लॉक और जिला में, कोरिया जिला में आगे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से उसको। सामाजिक विचार का उद्बोधन, सामाजिक विचार का उद्बोधन, इतना मतलब उद्बोधन कैसे करें हम। जैसे लक्ष्मी भी कुरीतियों के बारे में बताई तो उसको सुने, लेकिन जब हम इतना समाज की हर बुराई को जान रहे हैं, सब घर में होता है, सब समाज में, सॉरी सब समाज में नहीं, मतलब गांव घर अपना परिवार सभी जगह सब कुरीतियां हमको देखने को मिलता है, पर क्या करना है। कुरीतियाँ को हम देखते भी हैं और सहते भी हैं और सुनते भी हैं उस चीज को, लेकिन इस चीज को यदि हम मन से दिल से अपने समाज से हटाना चाह रहे हैं, इसके लिए हमको क्या करना है। अपने समाज को जगाना है, तो समाज को जब तक हम नहीं जगाएंगे तब अगला कहाँ समझ पाएगा। जब उस कुरीति से वो कभी बाहर आया ही नहीं है और उस चीज के बारे में वो कुछ जानता ही नहीं है, तो क्या सुधरेगा। तो इसके लिए हम जब समाज में संगठित होकर उस चीज को मतलब उस चीज के बारे में अपना विचार रखेंगे कि भाई ये गलत है। जैसे वो छठी में बच्चे का पांव धोना या कुछ भी करना, तो दारू से उस बच्चे का वो मतलब क्या कहना चाहिए। जब इस दुनिया में बच्चा आया, उसको दूध से, गंगा जल से, पवित्र जल से उसका स्वागत करना चाहिए, तो वो ना करके दारू से उसका स्वागत किया जाना, ये तो बहुत बड़ी समाज की मतलब कुरीति है, गलती है, क्या कहना चाहिए, इसको बोल ही नहीं सकते, इतनी बड़ी गलती है। तो ये सब सुधार के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए यदि हम समाज के लोग इकट्ठित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, एक दूसरे से अपना विचार व्यक्त नहीं करेंगे, तो हम कैसे जानेंगे। इसके लिए हम सबको, हमारे समाज को, हमारे घर परिवार को सबसे पहले जागरूक करना होगा। जब हम पूरी तरह से संगठित हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तब हम खुद कहेंगे कि हाँ ये हमारे घर में या हमारे परिवार में, हमारे समाज में इस प्रकार का रिवाज नहीं होगा। जैसे किसी भी घर में हो रहा है तो वहाँ अगल बगल की महिलाएं रहती हैं या भाई बंधु जो भी रहते हैं या चार लोग मेहमान आते हैं, जैसे छठी में जब तक अपने नात रिश्तेदार जितने भी हैं उनको
वो नहीं बुलाते हैं तो उस घर में छठी का कार्यक्रम नहीं होता है, या तो फिर दसगात्र का कार्यक्रम होता है दसवें दिन में, उसमें भी मतलब कई जगह के लोग बाग आते हैं अपने मतलब परिवार में, कुछ मतलब अपने गोत्र के सगा संबंधी आते हैं, वहाँ पे उनका काम नहीं होता है, वहाँ से जो मामा है बुआ है या सास ससुर है जो भी अपने मतलब गोत्र से हट के आते हैं उनके माध्यम से उसको मतलब चंदन पगड़ी दिया जाता है, माथे पे टीका लगाया जाता है, जो भी होता है वो संस्कार पूरा किया जाता है। तो वहाँ पर उतने सारे लोग मौजूद रहते हैं, उस समय मतलब इस चीज को समझना चाहिए कि भाई दसगात्र में जो होता है लेकिन ये सब छठी में ये सब कार्यक्रम क्यों होता है, तो इस चीज का आवाज कौन उठाएगा। जब तक हम मतलब क्या कहना चाहिए, हम संगठित नहीं रहेंगे, हम समाज के प्रति नहीं समझेंगे या तो कुछ कार्य के प्रति हमको कुछ समझ सकती नहीं है, तो हम अगले आदमी को कैसे सुधारेंगे। इसलिए जहाँ तक हो हम सुधरे, हमारा परिवार सुधरे, तब जाके हमारा समाज सुधरेगा। लेकिन इतने परिवार सुधारने, अपने आप को सुधारने या समाज को सुधारने, इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट है हम संगठित समाज में रहें और अपनी संगठन को बनाए रखें, अपनी संगठन को बनाए रखें और मन में हमेशा सकारात्मक विचारधारा रखें, गलत मतलब कभी सोच नहीं लाना चाहिए मन में, मतलब नेगेटिव विचार मन में आना ही नहीं चाहिए। जैसे मतलब पहले इस मीटिंग में कोई नहीं जुड़ता था, मैं भी नहीं जुड़ती थी, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब जुड़ती हूँ तो भले कितनों काम रहे पर शनिवार का मुझे इंतजार रहता है, हर शनिवार को मुझे नया चेहरा देखने को मिलता है, हर कोई का विचार सुनने को मिलता है, जिस चीज़ को मैं नहीं जानती थी उसको इस मीटिंग के द्वारा, कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के द्वारा मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं जितना नहीं जानती थी उतना ये दो चार मीटिंग अटेंड की उतने ही में मेरे को बहुत समझ में आ गया कि हमारे समाज में आज ऐसा ऐसा भी रिवाज पड़ा है जिसको मैं कभी सुनी थी ना देखी थी इस तरह से। तो जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे और एकत्रित नहीं रहेंगे तो इन सब कुरीतियों को समाज से कैसे अलग करेंगे। सबसे बड़ी बात तो है हमारी एकता, और हम सब अगर एकत्रित हैं तो हमारा उद्देश्य एक हो जाएगा, और हमारा उद्देश्य एक हो जाएगा तो अगर 10 परिवार हम एक हैं तो अगला एक परिवार कोई अलग रास्ता में चल रहा है तो उसको हम सुधारने के लिए कुछ बोल सकते हैं या उसके लिए कुछ कह सकते हैं तो अगला सुधर सकेगा। यदि आज हम आज नहीं जुड़े मीटिंग, कल नहीं जुड़े मीटिंग, एक दूसरे का विचार नहीं सुन रहे हैं, ये सब क्या है, हमारा मतलब समाज का कुरीतियाँ तो अलग है लेकिन ये जो मीटिंग में नहीं जुड़ना, किसी की भाषा नहीं सुनना, किसी की विचार नहीं सुनना, ये क्या है, ये हमारी गलती है। और ये मतलब सामाजिक कुरीतियों की तरह हमारे मन में ही कुछ कुरीतियाँ से भरी हुई है, जे मतलब जो हमारे मन मस्तिष्क में है, जो इस समाज में या इस मीटिंग में आने से हमको दबाता है। सप्ताह में एक दिन की तो बात है, कौन सा इसमें रोज जुड़ना है, हमको भी काम करना पड़ता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पानी तब बाहर काम करना पड़ता है, आप लोग भी बहुत काम करते हैं, पर ओनली वीकली में वन डे, ये रोज वाली बात नहीं है, तो फिर क्यों नहीं जुड़ते हैं। जिस दिन ज़्यादा जुड़ते हैं उस दिन खुशी लगती है, अपने आप में गर्व महसूस होता है कि हाँ भाई हमारे समाज में इतने लोग हैं, कम से कम इतने लोग समझदार हैं, सक्षम हैं, जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इतने सारे मतलब हमारे गुरुजन हैं जो मतलब कई साल से जुड़े हैं इस अगरिया समाज में और इस हमारी समाज को सुधारने में इतना मतलब लगातार प्रयास कर रहे हैं, आज हमें इतना अच्छा संदेश दे रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को सुनने के लिए उनकी मतलब क्या कहना चाहिए, जो ज्ञान बांट रहे हैं उसको ग्रहण करने में सप्ते में एक दिन
आने में हमको क्यों तकलीफ होती है। मेरे को बहुत दुख होता है कि मतलब आज दो लोग जुड़े, चार लोग जुड़े, आठ लोग जुड़े, इससे क्या होगा हमारा समाज। वो दो चार लोग ही सुनते रहेंगे, अगले को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। कम से कम एक सप्ताह नहीं जुड़े, दो सप्ताह नहीं जुड़े, महीने में कम से कम दो सप्ताह तो जुड़ सकते हैं। दो सप्ताह में काफी नॉलेज आती है, और मतलब नहीं भी जुड़ पा रहे हैं तो उसमें तो मैसेज वगैरह डालाता है, उसको देख ही रहे हैं आप लोग। चार लोगों को जोड़ने से क्या होता है, जब चार लोग इसी हमारे अगेरिया समाज के बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, क्यों जुड़ते हैं, क्या है। केवल मतलब एक ही आवाज आती है कि हमारा जाति बन जाए, क्यों नहीं बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, किसके पास जाएं, क्या करें। ये बहुत मतलब क्या कहने चाहिए, हमारी नासमझी की बात है। हम जहां तक है जाति की सवाल, तो जाति तो किसी न किसी प्रकार कहीं ना कहीं से कुछ तो बन ही रहा है, जो मतलब नियम लागू है उस नियम के तौर पे कुछ ना कुछ बन ही रहा है, और एक दो हर बार मतलब बन ही जा रहा है, सुनने को मिलता है। तो हम जाति के पीछे क्यों पड़े हैं, अपनी पहचान को क्यों खो देना चाहते हैं। जिस प्रकार हम मतलब अपना अस्तित्व भूल गए थे, फिर उसी रास्ते में क्यों चलना चाह रहे हैं। जब तक हम अपना अस्तित्व नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे अपनी समाज को, तो फिर हम मतलब फिर तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। क्या मतलब जाति भी बनेगा, उससे क्या होगा। आप लोग क्या पढ़ लिख के नौकरी करेंगे तो अपनी समाज के विषय में जान जाएंगे, इतनी जो समाज में अच्छी जानकारियां मिल रही हैं उसके बारे में क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, जहाँ के तहाँ रहेंगे। और मतलब समाज में रहना ही बहुत बड़ी बात है, जो मतलब मनुष्य होने के नाते समाज तो समाज में रहना या फिर सामाजिकता गुण को अपनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। हम पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी ही करेंगे, लेकिन हम अपने समाज से अनभिज्ञ रहेंगे तो आज भी हमारे समाज का विकास नहीं हुआ। और हमारे संचालक महोदय इतने अच्छे से समझाते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट समझाते हैं, और क्या बोलते हैं, हमारे राम खिलावन सर भी इतनी अच्छी आवाज में, इतनी मतलब क्या कहना चाहिए, इतनी सीधी सरल भाषा में समझाते हैं, तो आज तक कैसे समझ में नहीं आ रहा है। इनकी आवाज को समझिए, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, किस चीज की विषय में चर्चा कर रहे हैं, या तो फिर उनका उद्देश्य है क्या है, ये सब समझना चाहिए। और इतने सारे लोग जुड़े हैं, इतने रोज दिन सम्मानित पत्र दिया जा रहा है माननीय मतलब संचालक महोदय के द्वारा में, तो सम्मानित पत्र तो ले रहे हैं, इतने सारे सम्मानित पत्र लेने की क्या जरूरत, 10 लोग को भी तो नहीं जुड़वा पा रहे हैं आप लोग। नाम जोड़ के सम्मानित पत्र लेने से क्या फायदा, आप स्वयं सक्षम हो जाइए, समय से मीटिंग में जोड़िए, हर कुछ को बताइए, और जहां आप जोड़ रहे हैं वहां चार लोगों को इकट्ठा करिए, और वहां आप चार लोगों को अपनी अगेरिया समाज की जो रीति रिवाज है, या संगठन की जो आवाज है, या हमारी एकता की जो है, हमारे उद्देश्य की एक वो चीज है, उसको आप बताइए उन्हें। और वो मतलब उस मीटिंग में आप ना जुड़े, लेकिन अगले को आप समझा के चार लोगों को जोड़े हैं ना, वो आके आपसे पहले खड़े होके बोले कि हाँ हमारा अगेरिया समाज है, संगठन भारत है, राष्ट्रीय लोक प्रगत अगेरिया समाज जिंदाबाद। हम गौर से कहते हैं मैं अगेरिया हूँ, हम सब अगेरिया हैं। सर मैं इतना ही चाहूंगी, आज मेरे को बहुत नया नया चेहरा देखने को मिल रहा है, थोड़ा सबका आवाज सुनना चाहती हूँ। वेल डन बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार, जितना भी तारीफ किया जाए बहुत ही कम है। आपने सारे सार चीज़ों को निचुल निचोड़ के रख दिया है, और सभी के आत्माओं में ये बात जरूर धंस गया होगा जाके कि आपने क्या चीज़ कह दिया है। साथियों ये है सोहरी मैडम जी, आप सुन लीजिए, नाम को बिल्कुल पहचान लीजिए और जान लीजिए, और अगले मीटिंग में अवश्य आइए कि अगले बार का लेकर आएंगी वो,
इसको जरूर आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से आज लक्ष्मी मैडम आई हैं, उनके उन्हीं के माध्यम से आज जुड़ रही हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों को समझाना, लोगों के साथ बात करना, महिला शक्तियों को क्या समझाइश देनी चाहिए, किस तरीके का उनको कैसे मोटिवेशन देना है, सारी चीज़ों को लेकर के वो हमेशा सदैव तत्पर रहती है, तैयार रहती हैं। एक आपको बता देता हूँ, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं, उसके बाद भी इस संगठन और इस समाज को एक महिला के लिए समय देना कितनी बड़ी बात है, आप इस बात को समझिए जरा। और हम साथी, अरे यार आज तो हम ड्यूटी में गए थे और वहाँ इतना काम पड़ा यार, थक गए, क्या बताएं यार, बिल्कुल आज मन नहीं है, ये सोच के हम लोग क्या कर देते हैं, चलो छोड़ो यार आज का, अगली बार देखें, अगली बार, अरे आज भी यार थोड़ा सा डिस्टर्ब, डाटा कम है अगली बार। और घर में आए तो पके पका मिल गया है ना, बस 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 वही है साथियों। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखिए, हम सभी को सामाजिकता की भावना हर व्यक्ति में अंदर है, लेकिन साथियों बदलाव हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता है। बदलिए, कोई भी बदलाव शुरू तब होगा जब आप शुरुआत आप खुद से करेंगे, स्वयं से करेंगे आप बदलाव, तभी जाके वो बदलाव आगे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा।